أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कैसे मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस जीपीएस जो हमारे पास गार्मिन मोटाना 650 है, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के सेटअप किधर से करेंगे और कैसे करेंगे। अगर हमें डिग्री चाहिए, मिनट्स चाहिए, या सिर्फ डिग्री मिनट्स चाहिए, या हमें सिर्फ डिग्री चाहिए और बाकी मिनट्स और सेकंड मुझे नहीं चाहिए, वो किधर से सेलेक्ट करेंगे। या हमें चाहिए कि हम डिग्री और मिनट्स चाहिए, वो किधर से सेलेक्ट करेंगे। या हमें डिग्री मिनट्स और सेकंड चाहिए, ये हम किधर से सेलेक्ट करेंगे और इसकी सेटिंग हम किधर से करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो चलो हम सीखते हैं। सबसे पहले आप इसको ऑन कर दें, जीपीएस को जो आपके पास है। और ऑन करने के बाद जो इधर मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन पर क्लिक करें। मेन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप सेटअप पे आ जाइए। सेटअप पे आने के बाद इसको आप स्वैप करें ऊपर। ऊपर स्वैप करने के बाद आपके पास आएगी पोजीशन फॉर्मेट। पोजीशन फॉर्मेट पे क्लिक करें आप। पोजीशन फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको इधर से मिलेगी पोजीशन फॉर्मेट, मैप डेटम डाटम और मैप शेप स्प्रेड। सही दें, सही है। तो सर, अगर आपको डिग्री मिनट्स और सेकंड चाहिए तो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, मिनट्स और सेकंड मुझे नहीं चाहिए। तो आप इसको नीचे स्वेप करें, ये देखिए, बस ये सिर्फ डिग्री है। अभी हमारे पास सिर्फ डिग्री आएगी। कैसी डिग्री आएगी इसको आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास अभी डिग्रियों में आ रहा है, इसमें मिनट और सेकंड नहीं है। अभी मुझे चाहिए कि इसमें मिनट भी आ जाए, तो क्या करेंगे आप, सिंपल मेन्यू पे आ जाइए। सेटअप ऊपर स्वेप करें, पोजीशन फॉर्मेट पे आ जाइए और इधर आ जाइए पोजीशन फॉर्मेट। इधर मैं मुझे चाहिए सिर्फ डिग्री और मिनट्स, ये डिग्री और मिनट्स, इस पर क्लिक करें। बैक जाइए, अभी देखिए, ये देखिए अभी हमारे पास डिग्री और साथ में ये मिनट्स आ गए, डिग्री और मिनट्स। अभी मुझे चाहिए कि मैं डिग्री मिनट और सेकंड हमारे पास आ जाइए, तो ये देखिए क्लिक करें, इसको ऊपर स्वेप करें, पोजीशन फॉर्मेट पे जाइए, पोजीशन फॉर्मेट के आने के बाद पोजीशन फॉर्मेट पे क्लिक करें और इधर आप सेलेक्ट करें डिग्री मिनट सेकंड, ये डिग्री मिनट और सेकंड, इसको क्लिक करें। अभी वापस आ जाइए और देखिए, ये हो गया हमारे पास डिग्री, ये हो गया हमारे पास मिनट और ये हो गया हमारे पास सेकंड। अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको वो सिंपल मीटर में चाहिए तो यूनिवर्सल जो है आपको वो चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इधर आ जाइए सेटअप पे, मेन्यू सेटअप, सिंपल सा वही तरीका है, सिंपल सा पोजीशन फॉर्मेट पे जाइए, कोऑर्डिनेट्स फॉर्मेट्स, और इधर आप सेलेक्ट करें। इधर बहुत मुख्तलिफ किस्म की जोन आएगी जो आपको सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सल ये क्लिक कर दें, किधर चला गया, यूटीएम ये क्लिक कर दें आप इधर। अभी वापस आ जाइए और देखिए, ये हमारे पास अभी क्या आ गया, मीटरों में आ गया, ये हमारे पास मीटरों में आ गया। लेकिन आपके साथ अभी इसके पास, अगर आपको ये किसी को देने हैं तो उसके लिए आपको एक और चीज़ भी करनी पड़ेगी, जो कि आप जो आपके कौन से जोन में है वो जोन भी देना पड़ेगा, और कौन सी यूटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी देना पड़ेगा। तो अभी ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ये यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट्स है, आपको किसी को भी देंगे तो वो आपकी जगह मालूम करेंगे। मगर अगर लेकिन उसके पास ये दोनों होने चाहिए। अभी ये हमारे पास जोन 33 क्यों है और हमारे पास यूटीएम जो है, यूटीएम 37 हमारे पास जोन है, ये हमारे पास ईस्टिंग नॉर्थिंग और ईस्टिंग आ गया और ये हमारे पास है यूटीएम। अब ये तो हमारे पास ये हो गया। अभी मैं वापस डिग्री मिनट्स पे जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, सिंपल सा तरीका है, सेटअप पे जाइए, पोजीशन फॉर्मेट पे जाइए, इधर आप सेलेक्ट करें पोजीशन फॉर्मेट और इधर नीचे स्वेप करें,
नीचे स्विप करने के बाद आपको इधर आएगी डिग्री मिनट सेकंड। अभी ये डिग्री मिनट सेकंड मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी देखिए इधर से ओजोन और ओ यूटीएम ख़त्म हो गया। अगर आपको किसी अगर अगर आपको किसी को आपको कोऑर्डिनेट्स देने हैं तो आप ये सिंपल से ईस्टिंग और नास्टिंग दे सकते, वो आपकी लोकेशन मालूम कर सकता है। तो ये तो था हमारे पास पोजीशन की सेटिंग, यानी हमारे पास था कोऑर्डिनेट्स की सेटिंग और डाटम वगैरह की सेटिंग है सिंपल सी। तो डाटम तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि डाटम में भी कोई नहीं है, सिंपल सा ऑप्शन है। और लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन जो था वो था। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ डाटम्स है, आपको जो भी डाटम इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल है वो WGS 84, ये बहुत ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। तो ये तो था हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की सेटिंग, इस तरह के हम कोऑर्डिनेट्स सेट कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल है तो आप कमेंट्स कर सकते, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके मसले का हल निकालूँ। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह फ़ामान।